शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। समझते थे और तुम, काश वो देख सकते कि तुमने आज सनी की जान बचाई है। सनी, तुमने मुझे खून करते हुए देखा? नहीं। तुमने किसी और को खून करते हुए देखा? हाँ। यानी कि इसने उस खूनी को देखा है जिसने 19 बार चाकू खोपा था। सनी, तुमने किसको खून करते हुए देखा था? उसको। याद था उसको? नहीं। तो फिर किसको? उसको। सनी, तुम उसको देखोगे तो पहचान लोगे? हाँ। प्रिया, मैं इसे ले जाना चाहता हूँ। कहाँ? अस्पताल, जहाँ मेरी माँ मेरे झूठे गुनाहों की सजा भुगत रही है। ओह। तो सिर्फ इसी की गवाही मेरी माँ की जान बचा सकती है। कौन से कमरे में? थर्ड फ्लोर।
और आई थी। थैंक यू।
सिला दिया, बचपन की दोस्ती का अच्छा सिला दिया। खून तूने की और इल्जाम मुझ पर है। मेरी माँ को जीते जी मौत के घाट पर पहुंचा दिया। क्यों किया तूने ऐसा? क्यों किया तूने ऐसा? पता तूने ऐसा क्यों किया? पता, वरना माधुरी और अंजना की तरह तेरे भी जिस्म के चेचल उड़ जाएंगे। से तंग आकर मेरे बाप ने मरते वक्त अपनी जायदाद का आधा हिस्सा प्रेस के नाम कर दिया था, एक चौथा हिस्सा रंजना के नाम, एक चौथा हिस्सा मेरे नाम। अगर मेरे खर्चे बढ़ने लगे थे इसलिए मैंने लू फिल्म्स का धंधा शुरू किया, क्योंकि दुनिया में यही एक धंधा है जिसमें एक रुपए लगाने पर 100 रुपए का मुनाफा होता है। अगर इस धंधे की मुश्किल ये है कि लोगों को रोज नई नई और कमजन लड़कियां चाहिए, इसलिए मैंने गर्ल्स हॉस्टल को अपना निशाना बनाया। हॉस्टल के चौकीदार बद्रुद्दीन को अपने साथ मिलाकर सबसे पहले मैंने माधुरी को अपने प्रेम जाल में फंसाया। उसे नशे की गोलियां खिलाकर एक दिन चुपके से अपने घर के बेडरूम में मैंने उसकी ब्लू फिल्म बना ली। अपना काम निकालकर मैंने माधुरी का पल्ला झटक दिया, मगर वो गर्भवती हो चुकी थी और इसका जिम्मेदार मुझे समझती थी। यही बताने के लिए उसने मुझे खत लिखा, मगर गलती से वो खत प्रोफेसर वर्मा के हाथ लग गया। तो इस डर से कि कहीं माधुरी की बेवकूफी से मेरा राज खुल न जाए, मैंने उसे गर्ल्स हॉस्टल की छत से गिरा के मार दिया। माधुरी के बाद मुझे रंजना का खून करना पड़ा, क्योंकि ब्लू फिल्म्स बनाते हुए उसने मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया था, और मेरे मना करने के बावजूद उसने ये बात कॉलेज की क्रिसमस पार्टी में अपने प्रेमी प्रोफेसर वर्मा को बता दी। प्रोफेसर वर्मा ने उसे गर्ल्स हॉस्टल की छत पर बुलाया। रंजना इंतजार कर रही थी प्रोफेसर वर्मा का और हम वहां गए। मना करने के बावजूद तुमने ब्लू फिल्म की बात प्रोफेसर वर्मा को क्यों बताई? रामजादी, मैं तुझे जान से मार दूंगा। तुम अपनी बहन की भी जान लोगे क्या? अगर मेरी सगी बहन भी मेरे रास्ते में आती तो मैं उसे भी गिरा देता। और तू मेरी सौतेली बहन है। तेजा और सलीम लगड़े को प्रोफेसर वर्मा के पीछे लगाकर मैं रंजना की लाश के पास पहुंच गया, ताकि किसी को मुझ पर शक ना हो। अगर कुल्लू के भड़काने पर तुमने प्रोफेसर वर्मा को घेर लिया और अनजाने में तुम्हारे हाथों प्रोफेसर वर्मा के पेट में चाकू लग गया, तुम लोगों के जाने के बाद जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि प्रोफेसर वर्मा मरा नहीं था, सिर्फ घायल हुआ था। सनी ने मुझे प्रोफेसर वर्मा का खून करते हुए देख लिया था। इस बात का मुझे पता चला प्रिया की बर्थडे पार्टी पर, जब इसने खल्लम खल्ला मेरी तरफ इशारा कर दिया। अगर तुम्हारे पीछे खड़े होने की वजह से लोगों ने समझा कि इसने इशारा तुम्हारी तरफ किया है, माधुरी रंजना और प्रोफेसर वर्मा का कातिल मानकर
पुलिस पागल कुत्तों की तरह तुम्हारे पीछे पड़ चुकी थी। फिर आई उस बदरुद्दीन की बारी, मोनिका से 5 लाख रुपयों की मांग करके उसने अपनी मौत को बुला लिया। उसकी मौत का इल्जाम भी तुम्हारे सर पर आए, इसलिए तुम अपने साथ लेडीज हेल्थ क्लब ले गया और मौका पाकर मैंने बदरुद्दीन की भी हत्या कर दी। पुलिस को फिर तुम पे शक हुआ, ठीक इसी तरह मैंने तुम्हें मोनिका के मर्डर में फंसाया। ब्लू फिल्म्स के धंधे में 50% पार्टनरशिप के लिए जब उस हरामजादी ने मुझसे बगावत कर दी तो मैंने उसे भी अपने रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। मोनिका के नाम से खत लिखकर प्रिया के द्वारा मैंने ही तुम्हें इमामी कॉन्टेस्ट में बुलाया। मौका पाकर मेरे आदमियों ने बत्तियां बुझा दी। तुम्हारी जेब से इंस्पेक्टर चौहान का रिवॉल्वर निकालकर मैंने इस कुतिया को गोली उससे बूंद कर रख दिया। मोनिका की लाश इंस्पेक्टर चौहान की रिवॉल्वर से निकलता हुआ धुआं और उस रिवॉल्वर पर तुम्हारी उंगलियों के निशान, ऐसे और कोई चाल हो सकती थी तुम्हें फांसी पर लटकाने के लिए, मगर मेरे एक रास्ते का कांटा भी बाकी था और वो था ये सनी, क्योंकि सनी की गवाही ये साबित कर देती कि खून तुमने नहीं किसी और ने किया है। इसलिए सनी की मौत बेहद जरूरी हो गई थी दीपक, लिहाजा मैंने तेजा को सनी का खून करने के लिए वहां भेज दिया, मगर ऐन वक्त पर तुम वहां पहुंच गए और तुमने एक शानदार चाल चली। तुम जानते थे कि कातिल सनी को मारने के लिए सामने जरूर आएगा। तुमने मुझे सचमुच मजबूर कर दिया सामने आने के लिए, दोस्ती का ये नकाब उतारने के लिए, मगर मैंने भी हार नहीं मानी है राजा। सनी के साथ साथ मैं तुझे भी मौत की घाट उतार दूंगा। और जा मेरे रास्ते से दीपक, और जा बच्चा मुझे दे दे, और जा दीपक बच्चों को मेरे हवाले कर। नहीं दीपक, दीपक आगे है तो इस बच्चे को मैं कहता हूँ सनी को मेरे हवाले कर। मैं कहता हूँ मार दो बच्चे को। वाह दीपू वाह, अरे हमने वहाँ अपना खून बहाया जहाँ तेरा पसीना निकला, बड़े भाई से भी बढ़कर समझा तुझे, पर साले तू तो बड़ा कमीना निकला। मुरारी सनी को प्रिया के पास ले जा। जो कुछ तूने मुझे बताया ना, अब वो सब कुछ तू मेरी माँ के सामने बोल। चल कुत्ता, चल 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 चल। सनी सनी तूने मुझे खून करते देखा था क्या? इसको इसको ना, मेरी माँ। कौन है आप, कहाँ जा रहे हैं? मेरी माँ सॉरी जॉइनर अंदर है ना। आप उनसे नहीं मिल सकते, उनकी हालत बहुत ही सीरियस है। No one can stop me, understand? ये तुम अपना क्या हाल कर डाला मामी? देखो देखो हम तुम्हारा सर पे हाथ रख के बोलता मामी, हम कोई खून नहीं किया। सुना तुमने? देखो मैं तुम्हारे जज्बात समझता हूँ, लेकिन तुम्हारे इस रवैये से कुछ भी हो सकता है। जो कंडीशन तुम्हारी माँ की है वो मर भी सकती है। नहीं डॉक्टर, मेरी माँ नहीं मर सकती। मेरी माँ नहीं मर सकती। तू इंसान की मदद के लिए हर जगह नहीं पहुंच सकता था, इसीलिए तूने मां बनाई। भगवान तूने भी जब जब इस धरती पर जन्म लिया, तुझे भी किसी न किसी मां के सहारे की जरूरत पड़ी, इसीलिए शायद तूने खुद मां को अपने से भी बड़ा दर्जा दिया। मैं कई मंदिर गिरजाघर चर्च और
कई दरगाहों पर गया, मगर आज तक इस मंदिर की चौखट पर कभी नहीं आया था। सिर्फ इस डर से कि यहां आकर मुझे कहीं अपनी उस मां की याद ना आ जाए जो मुझे रात के अंधेरे में गुमनामी में यहां पर अकेला और बेसहारा छोड़कर चली गई थी। इससे पहले कि मैं मां शब्द को कोसता, तूने उस शब्द की लाज रख ली। तेरे दर पर मुझे मां के रूप में मां मरियम मिल गई। वो फ्लोरेंस जॉइनर जिसने हमेशा दिल के रिश्ते को खून के रिश्ते से बढ़कर समझा, जिसने मुझे एक ही सबक सिखाया इंसानियत का, वो फ्लोरेंस जॉइनर आज जिंदगी और मौत से लड़ रही है। सिर्फ इस सदमे से कि वो सोचती है कि उसका बेटा खूनी है, मगर जब मैंने खून किया ही नहीं तो मेरी मां इस सदमे से क्यों मरेगी कि उसका बेटा खूनी है। जब जुर्म किया ही नहीं तो फिर सजा कैसी। वो मां जो ममता की मिसाल बनकर इस दुनिया में जी रही है, तो उस मां को मुझसे छीन लेगा? तू भगवान होकर मेरा भगवान मुझसे छीन लेगा? झूठ के हाथों से खोदी गई कब्र में सच्चाई दफनाई नहीं जाएगी। मैं कल भी तेरे दर से अनाथ नहीं लौटा था, मैं आज भी तेरे दर से अनाथ नहीं लौटूंगा भगवान। मुझे मेरी बात चाहिए, मेरी मां को बचा ले भगवान, मेरी मां को बचा ले भगवान, मेरी मां को बचा ले। राजा, 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 मां को, मां को होश आ गया। अरे लेकिन ये क्या, तुम इतना बड़ा घोड़े हो गए हो हा? और अभी भी इतना दुलार। बाप रे, होश मां से कहती है मेरा राजा कहाँ है, मेरा राजा कहाँ है। मान गए तुम वाकई हो उनका दुलारा। इतना इतना प्यार से बोली ना राजा कहाँ है। हमको तो रोना आ गया। अरे तुम मत रो, चलो चलो। अरे ये क्या, क्या मामूली करो चाहे ठीक हो जाएगी, चलो चलो चलो। राह देखती है वो, चलो चलो। मम्मी, मम्मी तुम ठीक हो? अपना मम्मी का जान बचाने के वास्ते तुम क्या क्या नहीं किया बेटा। तुमने तो आज बता दिया कि खून के रिश्ते से बढ़कर दिल का रिश्ता होता है। हम जब भी गॉड के सामने सर झुकाएंगा तो उससे यही मांगेगा कि अगले जन्म में वो तुमको हमारा कोख से पैदा करे।